हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराने के लिए एक बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और वो भी विजुअल बेसिक की मदद से। कैसे होगा ये, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है, तो यहां से एक्सेल ओपन कर लेता हूं मैं। अब ये मैंने रन कमांड से एक्सेल को ओपन किया, अब ये एक्सेल ओपन हो रहा है। अब देखिए यहां पर ब्लैंक वर्कबुक हमें ले लेना है, ठीक है। हम इसी वर्कबुक की बात करेंगे, किसी अन्य वर्कबुक की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर एक बटन बना लेंगे हम। बटन बनाने के लिए जरूरी है कि डेवलपर टैब एक्टिव हो। अगर आपने नहीं सीखा कि डेवलपर टैब कैसे एक्टिव करते हैं तो आप जरूर सीखिए, मैंने वीडियो बनाया है। यहां पर डेवलपर टैब पे जाइए और ये इंसर्ट पे चले जाइए, और यहां पर देखिए ये बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद यहां पर ड्रैग कर दीजिए इसको। जब ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये कह रहा है कि बटन वन, ठीक है, इसका क्या नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम इसे नाम देंगे इंक्रीमेंट। क्या नाम देंगे? इंक्रीमेंट, ये नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। और यहां से ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये एक बटन बन गया। अब इस बटन का नाम हम रखेंगे इंक्रीमेंट। यहां पे बटन वन भी आ रहा है तो यहां पर भी चेंज करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंक्रीमेंट। क्या लिखेंगे? इंक्रीमेंट, ये लिखना है हमें, लिख दिया। चलिए अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये जो है ना इसी को कॉपी करेंगे। तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं, कॉपी, फिर यहां से पेस्ट कर लेता हूं इसको। तो ये पेस्ट कर लिया हमने। अब यहां पर भी इंक्रीमेंट, यहां पर भी इंक्रीमेंट, लेकिन एक को डिक्रीमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आइए और एक को डिक्रीमेंट कर दीजिए। तो यहां से जाकर के इसको कर देता हूं डिक्रीमेंट, ओके। तो ये डिक्रीमेंट कर दिया हमने, एक इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा डिक्रीमेंट हो गया। इसको भी यहां पे असाइन मैक्रो पे जाएंगे, तो इंक्रीमेंट के लिए तो हम बना चुके हैं, अब डिक्रीमेंट के लिए बना लेते हैं। तो यहां पे लिख दूंगा मैं डिक्रीमेंट इस तरीके से, ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो ये एक इंक्रीमेंट हो गया, दूसरा डिक्रीमेंट हो गया। अब करेंगे क्या, यहां विजुअल बेसिक पे जाएंगे, और विजुअल बेसिक पे जाने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, और फिर यहां से मॉड्यूल पे जाएंगे। अब यहां पर हमें वो कोड लिखना है जिस कोड को लिखने से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखता हूं सब एसयूबी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन का नाम था इंक्रीमेंट, तो यहां लिखा इंक्रीमेंट, ये लिख दिया हमने, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, तो ये हो गया। अब ये इंक्रीमेंट करेगा, तो कैसे करेगा, तो यहां पर रेंज लगाएंगे, आर ए एन जी ई, रेंज क्या है इसकी, तो मान लीजिए F3 इसकी रेंज है। F3 यानी वो सेल का नाम है जिस सेल में हम वैल्यू देंगे। देखिए यहां पे एक्सेल शीट में F3 यहीं पे हम वो वैल्यू देंगे, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। आपका जहां पर भी मन करे ये वैल्यू दे सकते हैं। चलिए C3 कर देते हैं, C3 थोड़ा दूर है तो साफ साफ दिखाई भी देगा, तो F3 के बजाय C3 कर देता हूं, ठीक है। और ये लिखने के बाद आगे आपको देना है डॉट वैल्यू। क्या देना है? डॉट वैल्यू, तो यहां पर दे दीजिए डॉट वैल्यू। देखिए वैल्यू आ जाएगा अपने आप, तो ये डॉट वैल्यू दे दिया। अब फिर यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाना है, और फिर लिखना है आर ए एन जी ई, रेंज, ठीक है। फिर वही चीज रिपीट करनी है आपको, तो यहां पे मैं कर देता हूं C3, क्लोज किया, और फिर क्या करेंगे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू इस तरीके से। और अब हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए क्या लिखेंगे, +1, ये इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया +1। अब इसी कोड को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया यहां से, और फिर नीचे आएंगे इस तरीके से, और यहां पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इंक्रीमेंट के बजाय यहां पे करना है डिक्रीमेंट, तो यहां पे करता हूं डिक्रीमेंट, ठीक है। और डिक्रीमेंट करते समय यह ध्यान रहे कि यहां पे -1 देना है, +1 नहीं रहेगा, तो ये -1 दे दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कोड हमने लिख दिया है। अब हमारा प्रोग्राम इसी कोड के अकॉर्डिंग चलेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। C3 लिया था ना हमने, तो ये C3 है। अब इसको थोड़ा मैं हाईलाइट भी कर देता हूं अलग कलर से, तो ये देखिए ये C3 है। यहां पर कोई वैल्यू मैं लिख देता हूं, जैसे लाइक 7, ओके। अब ये 7 लिखा हुआ है, अब ये कर्सर यहीं पर रहेगा, और इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 8 9 10 11 12 इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए ये इंक्रीमेंट करते चलिए आप, और फिर डिक्रीमेंट पे चलते हैं। ये देखिए अब डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट माने पीछे जाना, और इंक्रीमेंट का मतलब आगे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बस इंक्रीमेंट करिए और डिक्रीमेंट करिए, और सीखते रहिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।